दोस्तों आज आईपीएल 2023 का 31वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेला जाएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस पिछले तीनों मुकाबले को जीतकर अब पंजाब को रौंदने के लिए मैदान पर उतरेगी। दोस्तों मुंबई का आईपीएल 2023 में अभी तक काफी खतरनाक प्रदर्शन रहा है और ऐसे में मुंबई का अब अगला मुकाबला शिखर धवन के पंजाब किंग्स से होने वाला है और इस मुकाबले के लिए पंजाब को रौंदने के लिए मुंबई के प्लेइंग 11 क्या हो सकती है बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस के फैंस तो इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बात करें टॉप ऑर्डर की तो हमेशा की तरह ओपनिंग करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन आने वाले हैं। दोस्तों ईशान किशन और रोहित शर्मा ने पिछले कई मुकाबलों से खतरनाक ओपनिंग पार्टनरशिप किया है और आज के मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों से इसी प्रकार की शुरुआत की उम्मीद रहेगी। और वही मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ मुकाबला से अपने खतरनाक फॉर्म में लौट चुके हैं। इसके बाद नंबर 4 पर तिलक वर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों तिलक वर्मा इस आईपीएल 2023 में गजब की प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मैच में भी उनसे काफी ज्यादा उम्मीद रहेगी। जबकि चौथे नंबर पर मुंबई इंडियंस के खतरनाक ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन खेलते हुए नजर आएंगे। कैमरन ग्रीन ने पिछले मुकाबले में काफी खतरनाक प्रदर्शन किया था। इसके बाद छठवे नंबर पर टीम डेविड खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों टीम डेविड मुंबई इंडियंस के लिए फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं और वहीं सातवें नंबर पर अर्जुन तेंदुलकर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर ने अपने आईपीएल करियर में 2 ही मुकाबला खेले हैं और दोनों मैचों में शानदार प्रदर्शन किया था। जबकि आठवें नंबर पर सोगेन खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद 9वें नंबर पर पीयूष चावला खेलते हुए नजर आएंगे। पीयूष चावला ने इस आईपीएल में काफी खतरनाक गेंदबाजी की है और इस मुकाबला में भी उनसे इसी प्रकार की गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। और वहीं 10वें नंबर पर जोफ्रा आर्चर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ मुकाबला से जोफ्रा आर्चर प्लेइंग 11 से बाहर चल रहे थे लेकिन इस मुकाबले में उनकी वापसी हो सकती है। और इसके बाद 11वें नंबर पर खतरनाक गेंदबाज जेसन बैरनडॉर्फ नजर आएंगे। दोस्तों जेसन बैरनडॉर्फ ने लगभग सभी मुकाबले में मुंबई को अच्छी शुरुआत दिलाई है और इस मुकाबले में भी उनसे इसी प्रकार की गेंदबाजी की उम्मीद होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस इस मुकाबला को जीत पाएगी या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जय हिंद वंदे मातरम।